खुदकशी करने वाले का जनाजा पढ़ सकते हैं, वो काफिर नहीं है, गुनाहगार है, अल्लाह मगफरत करे। गैर मुस्लिम का नाम ये सामने कागज़ पर लिख सकते, किस पता नहीं किस पर लिख सकते हैं, खाना काबा पर नऊज़ बिल्ला अपना नहीं लिख सकते हो तो गैर मुस्लिम का कैसे लिख सकते हो। मेरा बेटा फौत हो गया, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और आपको सब्र दे, अल्लाह चाहेंगे तो ख्वाब देख लेंगे। अगर किसी ने अपनी साली के बेटे के साथ जिना किया, निकाह तो नहीं टूटता लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे। मर्द और औरत की नमाज में बड़ा फ़र्क है, मर्द इमाम बनता है, औरत इमाम नहीं बनती। मर्द मुअज्जिन बनता है, औरत मुअज्जिन नहीं बनती। मर्द के लिए अव्वल सफ़ अफजल है, औरत के लिए आखिर सफ़ अफजल है। मर्द के लिए ये रुकू है, औरत के लिए ज़मीन से लग के रुकू करने और सजदे करने का ज़्यादा सवाब है। मेरा भाई अपनी मर्ज़ी से घर से गायब हो गया, अल्लाह हिदायत दे, दुआ करें वापस आ जाए। बाप दादे की जायदाद फरोख्त करने पर जब पैसे आए आप पर, साल गुजरेगा तो ज़कात होगी। शादीशुदा जोड़े को बच्चे रोकने के लिए कंडम या और बिल्कुल नाजायज है। बहरहाल अगर आपने अपने जेरे नाप बालों की या बगलों की, चाहे उस तरह से करें चाहे दवाई से करें, सब जायज है। नमाज के सामने सुतरा रखने का हुक्म है कि कोई चीज़ आगे रख दे, उससे उधर कोई बंदा गुजर जाए तो गुनाह नहीं होगा। जुहर का दीवार जो है आजकल तकरीबन 12:20 पे हो जाता है।